पट्टा वितरण के मामले को लेकर एक बार फिर कोरबा बीजेपी पदाधिकारियों ने घेरने का काम किया है। मात्र 15,000 लोगों को पट्टा देने की बात को लेकर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल कोरबा की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, पट्टा देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5 साल पहले चुनाव के समय पट्टा देने की बात पर कोई नियम कानून नहीं बनाए थे, लेकिन हाल ही में जो गिने चुने लोगों को पट्टा देने की बात कह रहे हैं, उसमें एक दर्जन से अधिक नियम कानून लगाकर पट्टा देने से कन्नी काट रहे हैं। मतलब साफ है कि राजस्व मंत्री चुनावी घोषणा करके लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं, लेकिन कोरबा की जनता जान चुकी है कि भ्रष्ट सरकार के इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। जो प्रेस वार्ता थी पट्टा वितरण को लेकर, अभी भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया कि हर झुग्गी झोपड़ी वासियों को काबिज भूमि पर उनको पट्टा मिले। भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में लेकर कांग्रेस की सरकार दबाव में आई, आनंद फानंद में पट्टा देने की बात कही। बाकी हम पट्टा देने की जो उनको मिल रहा है उनका हम स्वागत करते हैं, उसका हम विरोध नहीं करते। हमारा मांग भी था कि पट्टा सबको मिले। बाकी हमारा मांग है इसमें कानून कायदा न लगाया जाए। सभी हमारे झुग्गी झोपड़ी में बसे लोग हैं उनको पट्टा मिले। 15,000 अगर पट्टा बांट भी देते हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि 15,000 पट्टा इन लोग बांटेंगे, क्योंकि 2 साल से लक्ष्मण भाई बता रहे हैं वहाँ कलेक्टर ऑफिस में पट्टा बन के पड़ा है, उसको भी वितरण नहीं किए। अभी हमारे एक ही मांग है कि नियम कानून को ख़त्म करें। जैसे 600 स्क्वायर फीट 2,50,000 जिसका आमदनी होगा उसको नहीं मिलेगा। डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई और भी सरकारी नौकरी पर है,